दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30x50 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर वॉच कर रहे हैं, ये एक हाउस डिज़ाइन भी है। साथ साथ अगर इस मॉडल की बात करें तो एक जो फ्रंट एलिवेशन है, एक कोठी का डिज़ाइन भी आपको देखने को मिल रहा होगा। बहुत से लोग जब लग्जरी घर बनवाते हैं तो एक कोठी बनवाते हैं, बेहतरीन सा घर का डिज़ाइन बनवाते हैं, तो वही पूरा मॉडल मैं आपको देखिए डिस्कस करूँगा। फ्रंट एलिवेशन भी बताऊँगा, साथ साथ ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में लगातार। मैं हूँ पुंज छागरे और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको लगातार देख सकें। तो जो आज का मॉडल है, जो आज मैं 30x50 में डिजाइन करूँगा, सबसे पहले से मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिल जाए और इसकी बाउंड्री वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाए। ये देखिएगा, जो मैंने बाउंड्री क्रिएट की है, ये रेलिंग क्रिएट की है, इसमें जो पिलर्स छोटे छोटे मैंने क्रिएट किए हैं, ये मार्केट में दोस्तों बने बनाए मिलते हैं, आपको डिजाइनिंग मिस्त्री से करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये मॉडल, ये छोटे छोटे प्लेट बने बनाए मिलते हैं मार्केट में, इसको रेलिंग में सेट करना होता है वो की मिस्त्री करता है, और आपका पूरा जो फ्रंट एलिवेशन और है ये कोठी डिजाइन, ये आपका मिस्त्री बनाएगा। तो ये पूरा मॉडल मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले इसका ग्राउंड फ्लोर डिस्कस करूँगा। अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये इसका ओवरऑल ग्राउंड फ्लोर है। ये दोस्तों आप पिलर जो देख रहे हैं, ये पिलर से देख रहे हैं, इसके बाद इसमें बीम देख रही हैं। पिलर भी मैंने थोड़े स्टाइलिश डिजाइन किए हैं, जो कोठी टाइप आपने जो पुरानी बिल्डिंगें देखी होंगी उनमें ऐसे प्लस देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन और गुड लुकिंग आपको देखने को मिलते हैं। तो ये मेन जो इधर है फ्रंट, इसे स्टेयर से आप अंदर जाएंगे, मैंने इधर भी स्टेयर्स क्रिएट की, इधर भी स्टेयर्स की हुई, ऐसा ही बिल्कुल सेम इधर किया। तो आप जैसे अंदर जाते हो तो आपको बड़ा सा पोर्च मिलता है, ये देखिएगा, इधर भी पोर्च मिलता है, इसके बाद बारंदा मिलता है, फिर इसके बाद आपको मेन डोर मिल लेता है। इसका दोनों साइड में मैंने देखिए विंडो दी है वेंटिलेशन के लिए। मेन डोर से आप एंट्री करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं आप, एक मैंने लिविंग एरिया बना रखा है, जैसे आप एंट्री करते हैं लिविंग एरिया एक बड़ा सा आपको मिल जाता है पूरे घर में। ये देखिएगा, यहाँ पर अपना सोफा बेड जो भी चाहते हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद ये एक बेडरूम बड़ा सा आपको मिल जाता है फ्रंट में, आप इसे गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, जो चाहे वो बना सकते हैं। तो ये एक का आपको बेडरूम मिल जाता है, ये आपका लिविंग एरिया। इसके बाद आप आगे आते हैं तो ये आपका एक आंगन टाइप का मिलता है, जहां आप छत पर जाल रखवा देंगे जिससे वेंटिलेशन होता रहेगा, हवा धूप वगैरह आती रहेगी। अब लास्ट फ्लोर की बात करें, सबसे बैक में बात करें तो आपको दो बेडरूम मिलते हैं, बीच में आपको लेटेंट बाथ का एरिया मिलता है, इधर स्टेयर्स मिलती है, इसके नीचे आप स्टोर रूम क्रिएट कर सकते हैं, इस साइड आपका किचन मिल जाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीन बेडरूम, एक बड़ा सा लिविंग एरिया, आंगन और जहाँ पर जाल रखवाएंगे, किचन, लेट बाथ, स्टेयर्स। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको बड़ा सा पोर्च और बारंदा देखने को मिल जाता है। तो 30x50 का ग्राउंड फ्लोर जो आपने देखा ये पूरा था। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो फ्रंट में जो मैंने बाउंड्री क्रिएट कर दी है वो देखिएगा, जो पोर्च था वो सेम टू सेम, सिर्फ बाउंड्री 3 फीट का और चारों तरफ बढ़ा दिया है, रेलिंग जिसे बोलते हैं वो आपका बेहतरीन लुक देता है। अंदर की बात करें, स्टेयर्स के माध्यम से आएंगे तो सेम टू सेम नीचे वाला ही मैंने कॉपी किया है, सेम टू सेम नीचे वाला डिज़ाइन ऊपर कर दिया, वही दोनों बेडरूम पीछे, दोनों बेडरूम के बीच में लेट एंड बाथ, इसके बाद आपका बड़ा सा किचन, उसके जस्ट सामने आपका स्टेयर्स, बीच में आंगन, और ये आपका एक रूम, और ये आपका एरिया। अगर इसे भी रूम में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप डिपेंड, ये पूरा आपका बालकनी यहाँ पर आ जाएगा, जो बड़ा सा बारंदा और बालकनी देखने को मिलेगा, और पूरी चीज़ें वही सी है। लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर पर चारों तरफ मैंने बाउंड्री क्रिएट कर दी है, स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी बना दी है, चारों तरफ 4 फीट का बाउंड्री, फ्रंट में रेलिंग का बाउंड्री मैंने ढक दिया। तो ये पूरा 30x50 जो कि 1500 स्क्वायर फीट एरिया बनता है, उसमें आपका एक बेहतरीन सा विला बोलें, कोठी बोलें या मकान बोलें बना सकते हैं, क्योंकि मैंने जो थोड़ी सी ओल्ड चीज़ें यूज की, जो पुराने ज़माने में जैसे मॉडल बनते थे वो बहुत ही बेहतरीन हुआ करते थे, हम सभी लोग जानते हैं, तो वही नक्काशी पर भी मैंने इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। अगर आप बेहतरीन सा थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा खर्च करना चाहते हैं, घर को लग्जरियस बनाना चाहते हैं, तो वो आप इस मॉडल को जरूर सेलेक्ट करिएगा और मॉडल को बनवाइएगा। तो ये जानकारी या वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएँ, और अगर आप दोस्तों हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी भी टाइप का घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, घर, स्कूल, रेस्टोरेंट जो भी चाहते हैं, वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर, आप हमें कांटेक्ट करें। बस इससे आपको ध्यान ये देना होगा कि वो हमारी पेड सर्विस है, आपको और 50% पेमेंट एडवांस देना होता है, 50% बाद में, इसके बाद मैं घर क्रिएट करता हूँ।
लेकिन आप वे पेमेंट तभी करें जब आपकी हमसे बात हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड होने की बहुत से चांसेस होते हैं। तो आप जब हमसे बात कर लें, श्योर हो जाएं कि मैं पवन, मेरा नाम है दोस्तों पवन प्रजापत, मैं बताऊंगा, तो आप श्योर हो जाएं, उसके बाद ही आप कॉन्टैक्ट करें और पेमेंट करें, इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये मॉडल कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, ऐसा वीडियो के लिए शेयर जरूर करें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।